शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। One large whiskey and one cold drink. Cold drink. Darling, बहुत दिनों से तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता था। खुशखबरी? और इसके लिए यहाँ तक लाए हो? मैं चाहता हूँ शोभा, हम और तुम बस, और कोई ना हो। मैंने दिल में एक सपना सजा रखा है। बस बस रमेश, तुम तो हमेशा सपने ही देखा करते हो। चलो डांस के लिए चले। लेकिन पहले वो बाद में। सच मानो, तुम्हारे बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। तुम हो तो जिंदगी है, खुशी है, उमंग है। तुम नहीं तो कुछ नहीं। मेरा यकीन नहीं तुम? मैं जो कहते हैं करती हूँ, और कुछ नहीं कहती लेकिन करती सब कुछ है। जो तुम नहीं कहती मैं चाहता हूँ कि तुम वही कहो। शोभा, डांस में हमारी बात अधूरी रह गई। पूरी भी कैसे हो? तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं, हमेशा न जाने किस ख्याल में डूबे रहते हो। परेशान तो सचमुच हूँ। तीन खत भेजे मगर बॉस ने एक का भी जवाब नहीं दिया। बॉस को? शाम, मेरा बचपन का गहरा दोस्त। बॉस तो मैं उसे बिजनेस के नजरिए से कहता हूँ। वैसे हम लोग साथ साथ खेले, बड़े बड़े हुए। क्या आदमी है दोस्त के लिए जान देने वाला।
इसीलिए मैं उसे इतना मानता हूँ कि उनके सामने दूसरा कोई कुछ नहीं, यही ना? सिर्फ तुम्हें छोड़कर। यू ही कहते हैं, वरना जब देखो सिंगापुर से जाने की बात कर। डार्लिंग, यही खुशखबरी तो सुनाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सच? हाँ शोभा, मेरा आखिरी फैसला यही है कि रबर एस्टेट किसी हालत में न बेची जाए, हालांकि उसके मुंह की कीमत मिल रही है। अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है वहाँ? खजाना ही समझो, शाम के पिताजी की आखिरी बात। और कुछ जरूरी कागजात का मिलना इस बात का सबूत है कि। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? नहीं शोभा, ये बिजनेस की बात है, एकदम प्राइवेट। तो क्या मैं भी नहीं जान सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि औरतों को मर्दों के बिजनेस में दखल देना नहीं चाहिए। इसलिए ना कि मैं तुम्हारी कोई नहीं। तुम सब कुछ हो शोभा, मगर खामोखा जिद न करो, वक्त आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। 9 बजे मैंने लाइन बुक की है, फोन पर शाम से बात करनी है। बॉय, बेटी। हेलो रमेश, वो अभी तो यही घूम रही हो? लता का टेलीफोन आया घर से, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उनके साथ जा रही हूँ, ये मुझे घर छोड़ दो। ये क्या जल्दी है, और तुम्हें साथ बैठो। जी माफ कीजिएगा, 9 बजे मैंने बॉम्बे की लाइन बुक की है, फोन पे शाम से कुछ जरूरी बातें करनी है। ओह अच्छा, जल्दी आना। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। शोभा, अब आई हूँ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मगर दीदी, तुम्हारे फोन पहुँचने से पहले ही चल पड़ी थी। झूठ बोलती है, चाचा जी ने तो कहा था कि तुम दोनों वहीं बैठे। अच्छा बाबा, फोन मिलने के बाद ही से, पर आ तो गई ना। नहीं तो क्या रमेश के साथ बंबई भाग जाने का इरादा था? दीदी, अब भागने की जरूरत नहीं, वो यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, तुझे छोड़कर जा भी कैसे सकते हैं? मजाक में समझो दीदी, अब वो रबर एस्टेट नहीं बेचेंगे। क्यों? ये तो बताए नहीं, लेकिन आज बम्बई फोन करके अपने मालिक शाम को यहीं बुला रहे हैं। ओ, तो ये सब बातें करने में वक्त का ख्याल नहीं रहा तुझे। दीदी हुँ? एक बात कहूँ। क्या? वो जो मिस्टर शाम है ना, सुना है बहुत खूबसूरत और हसमुख आदमी है। तो मुझे क्या? नहीं नहीं, यूं ही कह रही थी, जब वो यहाँ आएंगे तो शायद तुम्हें भी वक्त का ख्याल नहीं रहेगा। चल हट, शरीफ कहीं। मामी से मेरा कोई फोन तो नहीं आया? ना सर। हेलो, ओवरसीज कॉल। यस, 42236 है। देखिए मैंने कॉल बुक की थी। यस, बॉम्बे। ओके, होल्डिंग। हेलो हेलो श्याम, मैं रमेश। हेलो रमेश, ओ चैप, हाउ आर यू? कब कर रहे हो, खूब मजे उड़ा रहे हो तुम वहाँ? मजे कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें 3 चिट्ठियां लिख चुका हूँ, बहुत जरूरी, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं मिली। नहीं मिली तो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम। ये बात है सर, चिट्ठियां कहाँ गायब हो सकती है? खैर छोड़ो इस बात को, उन चिट्ठियों में क्या लिखा था तुमने? अरे फोन पर क्या बताऊं, एक बड़े राज की बात है। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मेरी रबर एस्टेट में तुम्हें कोई खजाना मिल गया। तुम ठीक समझे, अभी मिला नहीं लेकिन मिल जरूर जाएगा। हेलो 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 ऑपरेटर, व्हाट्स रॉन्ग विद द लाइन? आई थिंक द लाइन इज डिस्कनेक्टेड। हेलो एयर इंडिया इंटरनेशनल, यस बुकिंग ऑफिस प्लीज। नेम शाम कुमार,
Nationality Indian. Purpose of visit business. How long are you going to stay in Singapore, sir? Oh, about a month. May I have your ticket, please? Here. Yeah. This is your seat card, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Name, Miss Maria Wong Ho. Nationality, Eurasian. Going back to Singapore? Yes. Had a nice time here? Yes, thank you. That's your seat card, madam. Thank you. Thank you. C6. Thank you very much. अगर आप ना होते तो मैं तो गिर गया होता। अभी हम गिरेंगे तो आप संभलेंगे? आप गिर के देखिए। You're so nice. Thank you so much. एयर इंडिया हवाई जहाज इनकी रानी पर आपका स्वागत करती है। इस समय सुबह के 10 बजे है और हम सिंगापुर रवाना होने को है। कहाँ तक जा रही हैं आप? कहाँ तक आप? सिंगापुर? आप वहीं रहती हैं क्या? या आप? बॉम्बे। मैं तो वैसे सैर के लिए जा रहा। नो आप बिजनेस के वास्ते जाता मिस्टर शाह। अरे आपको मेरा नाम भी मालूम? बॉम्बे एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट चेक होता था, हम देखा। वेरी गुड, यानी कि जान पहचान से पहले ही आपकी नजर में है। आई एम मैरिया। आई डिड यू वेल नाइस टू नो यू। एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक मिस? Yes, something hot, please. Do you mean a coffee or a tea? Scotch and soda. Scotch and soda. And for you, sir, would you like a drink? I'd like something cold. Cold drink? Yeah, I'll make my very cold glass of water. Yes. Oh, thank you so much. And my happiness. Cheers. आप सिंगापुर में क्या करते हैं? फादर का बिजनेस है, हमारा फ्री लाइफ, फैशन और पिकनिक डांस। वेरी गुड, हमें भी डांस और पिकनिक का बहुत शौक है। Yes, boss.
रमेश एयरपोर्ट पर तो नहीं आया। वो कल रात को आपको फोन किया था बॉस, फिर दूसरे दिन हम उसका घर को गया बॉस, पर वो घर में नहीं था बॉस। रात को उससे फोन पर आधी बात हुई थी, फिर अचानक लाइन कट गई। टेक इट इजी बॉस, टेक इट इजी बॉस, ये ओवरसीज लाइन ऑलवेज गड़बड़ कट जाता है बॉस। मिस्टर रमेश वेरी हैप्पी गुड लकी मैन बॉस, लेकिन कभी कभी ऑफिस से दो तीन दिन बाहर चला जाता है, मौज मजा हल्ला गुल्ला। सॉरी बॉस। रमेश ने तुमसे रबर एस्टेट के बारे में कोई बात की थी क्या? यस बॉस यस, वो बोला सेल करेगा यानी रबर एस्टेट बेचेगा, फिर बोला नहीं बेचेगा बॉस। आई डोंट नो, आपका रबर एस्टेट? यस माय बॉस, श्याम कुमार प्रोप्राइटर, इंडो सिंगापुर रबर एस्टेट। ओह आई सी, हाउ लकी आई एम, कितना किस्मत वाला। आपसे मुलाकात हुआ मिस्टर श्याम, अभी आप सिंगापुर में रहेंगे? अभी कुछ दिनों तक तो सिंगापुर में ही रहूंगा। हम आपको मिलेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। मुझे भी खुशी होगी मिस मारिया, आप जब चाहें मुझसे मिल सकती हैं। थैंक यू। प्लीज आई विल गेट डाउन हियर। चाचू स्टॉप द कार हियर। यस बॉस। आइए। थैंक यू, मैं आपके ऑफिस में फोन करेगा। जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑल राइट, नहीं भूलेगा। ओके बाय बाय। बाय बाय। चलो चाचू। बस ये लेडी कौन था बस? आई डोंट नो चाचू, प्लेन में मुलाकात हुई थी, अच्छी लड़की मालूम होती। ओ बस, हमारे यहाँ देखने में सब अच्छी लड़की बस। अच्छे के साथ सब अच्छा चाचू। बस यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। ओह नो नो नो, बस आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। बस सब लोग खुश हो जाओ, बस आ गया, बस आ गया। बस अपना रामास्वामी अकाउंटेंट। नमस्कार जोसेफ लोक क्लार्क। हाउ डू यू डू? बस मिस चिंचिंचू आई लव। बस ये अपना स्टेनोटाइप टेलीफोन ऑपरेटर, वेरी गुड बस। वेरी नाइस। हाउ डू यू डू सर? हाउ डू यू डू? मुझे आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। प्लीज प्लीज सिट डाउन। ए नो सिट डाउन बॉस, टेक इट इजी, सिट डाउन नहीं, अभी ये सब घर को जाएंगे बॉस, बस को मिलने के लिए ये वेट करता। वेरी नाइस बस। ये रमेश का ऑफिस है क्या? यस बॉस। बॉस तुम्हारा फोटो बॉस। वेरी गुड, लेकिन मुझे ये बॉस बॉस का मामला पसंद नहीं, मैं अपने यहाँ काम करने वालों को अपना दोस्त समझता हूँ। राइट गुड ग्रेट ग्रेट बॉस, लेकिन बॉस बॉस तो बोलना मांगता है ना बॉस। ठीक है बॉस, आप ट्रैवल करके आया है, थक गया है बॉस, ये ऊपर का फ्लैट के चाबी है, आप रेस्ट करेंगे बॉस और 6 बजे हम जाएंगे बॉस। किधर जाओगे तुम? है हमारा प्रोग्राम है बॉस। ऐसा प्रोग्राम? टेक इट इजी बॉस, अपना गर्लफ्रेंड लोग है ना। तुम गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा? नॉट अ बैड आइडिया और बॉय, लेट्स गो एंड चेंज। टेक इट इजी बॉस। नमस्ते। शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। जवान
शहर ये दिल वालों का, हमारे जैसे मत वालों का, गले मिले सब यहाँ पे आकर, नहीं भेद गोरे कालों का। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। मुस्कुराती नटखट गुड़िया, ये हुस्न वाली मीठी गुड़िया, जरा देर को सब चकराए, कहाँ से आई इतनी परियां। नमस्ते। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। घर से गुजरे हम मस्ती में, बहार आई उस बस्ती में, चले प्यार के नगमे गाते, है घर किसी दिल की दिल्ली में। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। चिंचिंचू, I love you. चिंचिंचू, shut up. बहुत खूब, गुस्सा चढ़ गया। हम तुमसे बात करना नहीं मांगता। क्यों? क्या हुआ? हमसे पूछता, तुम कल इवनिंग को किधर गया था? हाँ, हम तो बॉस के साथ था। झूठ बोलता, हमको सब मालूम था। ली, टीना, मिनी सब हमको बोला। तुम बॉस को लेकर उन सब के साथ हैप्पी गो लकी बनकर फुल नाइट घूमता रहा। और अभी हमको बोलता चिन चिन चू आई लव यू। माय डार्लिंग टेक इट इजी, माय डियर चिन चिन चू आई रियली लव यू। पर हम क्या करता, वो सब गर्लों के अंदर हम तुम्हारा फेस देखता और सबको लव करता। हाँ, हम सब नहीं नहीं, हम सबको कैसा लव कर सकता। हम समझ गया, तुम इधर से जाओ, गेट आउट। अच्छा, हम जाता। लेकिन माय डियर चिन चिन चू, तुम याद रखो, हम तुमको लव करता रहा, करता है और करता रहेगा। तुम्हारा साथ हम शादी करेगा, फिर अपना घर में छोटा 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 बाबा होएगा, फिर हम कोई छोकरी की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन अभी हम जाता। लिसन चाचू। बोलो। तुम रियली हमको लव करता? करता। फिर दूसरा लड़की लोग के साथ नहीं लव करेगा? करेगा। व्हाट? हमारा मतलब है कि हम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बस। मॉर्निंग चाचू। नमस्ते। यस
देखा करते हो तो? ए बस हम इससे नमस्ते सीखा, अभी हम इसको नमस्ते करता। ये टेप रिकॉर्डर यहाँ ऑफिस में क्यों पड़ा हुआ? ये टेप रिकॉर्डर टेलीफोन से कनेक्टेड है बस, टेलीफोन में जो बात होता इसमें रिकॉर्ड होता है बस। थैंक यू बस। ये सब ऑफिस की चिट्ठियां हैं तो मैंने संभालो। मुझे रमेश के मामले ने बहुत परेशान कर दिया, शायद ऑफिस में उसका टेलीफोन आया हो। रमेश को कोई फोन आया था? आज तीसरा दिन है और रमेश को कोई पता नहीं, इस तरीके से लापरवाही से काम नहीं चलेगा। चलो मेरे साथ, हमें पुलिस में खबर करना चाहिए। प्रदेश में जब अपने देश के लोग मिलते हैं मिस्टर शाम तो बड़ी खुशी होती है। कहिए कैसे तकलीफ की? आज तो मैं आपको तकलीफ देने आया हूं इंस्पेक्टर साहब। फरमाइए। दरअसल मैं एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, मेरे रबर एस्टेट के मैनेजर रमेश लापता है। रमेश तसे खंग खौरी गेन तसे इंडो सिंगापुर के शुजा तीरी में नहीं जमा। हां रमेश को मैं अच्छी तरह जानता हूं, रमेश बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन लापता? यस इंस्पेक्टर, बट बॉस को हम बोला टेक इट इजी कि रमेश दो चार दिन के लिए बाहर गया होगा, लेकिन बॉस वरीड बहुत फिकिर बहुत। आपने यहाँ उनके जान पहचान वालों से पूछताछ की? मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ तीन दिन हुए हैं, फिर भी मैंने जहाँ से जो कुछ हो सकता था पता लगाया। आप घबराइए नहीं, हो सके तो रमेश की फोटो भेज दीजिएगा, हम पता करेंगे, और अगर इस बीच में आपको इत्तला मिली तो हमें खबर कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। गुड डे। गुड डे। गुड डे। एक एक बात बोलेंगे बस? यहाँ का बिजनेस वाले से हमने इंक्वायरी किया, हम बोला था ना मैनेजर रमेश वेरी हैप्पी गो लकी, वो एक इंडियन लड़की से टेलीफोन पे प्रेम करता बस बात करता। अच्छा कौन है वो लड़की? वो यहाँ एक दूसरा रबर स्टेट है ना, उसका प्रोप्राइटर मिस्टर शिवदास, उसका लड़की शोभा, बॉस वेरी गुड डांसर, वेरी गुड डांसर। हो सकती है ये लड़की रमेश के बारे में कुछ जानती है? यस जानती हो? यस मेरा ख्याल है पहले उस लड़की के घर चले। बट बॉस हम एड्रेस नहीं मालूम बॉस, लेकिन बॉस वो एक यहाँ क्लब है न्यू इंडिया क्लब, उसके ऊपर स्टेज पे डांस करता, आज इवनिंग को जाएगा बॉस। ओके थैंक यू बॉस, थैंक यू। जान गई पहचान गई।
सर, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मुझे शोभा देवी से मिलना है, मेरा बहुत जरूरी काम है। सॉरी सर, शी इज नॉट इन। तुम नहीं समझते, मेरी उनसे बहुत पुरानी जान पहचान है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। ए कौन? जी मैं। जी माफ कीजिए, नमस्ते। ये आप बिना पूछे अंदर क्यों चले आए? जी क्या बताऊं, आना ही पड़ा। आज मैंने आपका नाच देखा, बहुत ही पसंद आया। यकीन जानिए मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसा नाच मैंने कभी नहीं देखा। आप इस आर्ट में तो कमाल ही करती हैं। ये आपके लिए छोटी सी भेंट। शुक्रिया। आप जा रही हैं क्या? जी मुझे जल्दी है। चाओ। यस मैडम। ये सामान सब गाड़ी में रख दो। ओके मैडम। देखिए मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करना है। मैंने कहा जरा सुनिए तो। अजीब आदमी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? कौन है आप? मैं रमेश का दोस्त हूँ। रमेश? तो आप? श्याम, मेरा नाम श्याम है। श्याम? ओह आप बम्बे से कब आए? यानी आप मुझे जानती? जी नाम सुना था, आज देख भी ली। पहले क्यों ना बताया कि आप कौन हैं? आपने बताने का मौका कहाँ दिया? कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? माफी चाहती, आइए ना। दरअसल मैं रमेश के बारे में पूछने आया था। रमेश के बारे में? जी हाँ। वो तो तीन दिन से दिखाई नहीं दी। मगर आप ये तो जानती होंगी कि वो गया कहाँ? जी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। खैर मुझे तो आप ही से उम्मीद थी, मगर अगर मगर की उलझन छोड़िए इस वक्त, आइए चले। कहाँ? हमारे घर। आपके घर? जी हाँ। मेरी बहन और चाचा जी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, आइए ना। चलिए। अच्छा एक बात तो बताइए, ये रमेश आदमी कैसा है? वाह दोस्त आपके हैं और पूछ रहे हैं उससे? कुछ और ख्याल मत कीजिए, दरअसल बात यह है कि मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि वो आवारा गर्दी शराब। नहीं नहीं, किसी ने गलत कहा आपसे, वो तो बहुत अच्छे शरीफ और हंसमुख आदमी है, मगर आपसे ज्यादा नहीं। जी यानी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? जरा सी जान पहचान में ही आदमी को समझने के लिए जरा सी जान पहचान भी बहुत होती है। अजीब उलझन में डाल दिया आपने तो। कैसी उलझन? क्या कहूँ, दोस्त का ख्याल है नहीं तो। उनका ख्याल तो हमें भी, लेकिन घबराने या परेशान होने से क्या फायदा, कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जी मेरा मतलब ये मकान। शुक्रिया, आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप इधर बैठिए और मुझे उधर इंतजार करने को कहा। अरे शायद आप दीदी से मिलने आए। जी हाँ गलती हुई, मैंने समझा कि आप खुद दीदी हैं, यानी कि आपके पोशाक को देखकर धोखा हो गया। आप बैठिए, वो आती हूँ। मैं उन्हीं के साथ थिएटर से वापस आया, यकीन जानिए आपकी दीदी बहुत अच्छा डांस करती है। जी लेकिन एक ही मुसीबत है, मेरे ख्याल में आपकी दीदी के दिमाग का कोई पुर्जा या तो कुछ ज्यादा कसा हुआ या बिल्कुल ही ढीला। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ, फर्ज कीजिए आपको किसी से मोहब्बत, माना के मजा छुपाने में है, लेकिन अगर बात खुल जाए तो कबूल कर लेना चाहिए ना। जी मैं समझी नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं, आपकी जो दीदी है ना उन्हें किसी से मोहब्बत है। ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? आपकी दीदी और रमेश। क्या? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। रमेश और लता, लता और रमेश। आपका मतलब है कि? ये शोभा है मिस्टर श्याम। और आप लता हैं? जी मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने समझा कि आप शोभा हैं और आप लता हैं। छोड़िए इस बात को, चलिए। जी मैम साहब आपका खाना लगा दिया, आइए। देखिए आपने काम का ये तकल्लुफ की, खाने की क्या जरूरत है? तकल्लुफ कैसा, आपको हमारे साथ खाना तो खाना ही होगा, आइए ना। आओ शोभा। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप, मैं तो यहाँ आते आप लोगों से मिलने की कोशिश में लग गया। क्यों? मैंने सुना कि शोभा देवी और रमेश का काफी मेलजोल है,
उसने मुझे यहाँ बुलाया लेकिन खुद गायब हो गया। आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। आज तक वो बिना बताए कहीं गए नहीं। ताज्जुब है। इसी चिंता में आज इसने डांस में भी हिस्सा नहीं लिया। देखिए शोभा देवी, इस तरह दिल छोटा करने से काम नहीं चलेगा। आप उनके कोई दोस्त या जान पता लगा चुकी है। अभी तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब शाम को ये दोनों मिलते ना। दीदी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने उन्हें क्या हो गया है। शोभा देवी, आप घबराइए नहीं। जितना आप रमेश को चाहती हैं उतना मैं भी उसे चाहता हूँ। यकीन जानिए, मेरे लिए वो एक दोस्त, भाई, साथी, सब कुछ है। मैं उसे जल्द से जल्द खोज निकालने की कोशिश करूंगा। दीदी, मुझे डर लगता है कहीं वो बदमाशों के हाथों में न पड़ गए हो। पगले, ऐसी बुरी बुरी बातें मत सोचो। चलो आराम करो, आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी, मेरा नाम शाम है, मैं। और ये मेरे चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। ये बंबई से आए हैं, रमेश जी वाले रबर एस्टेट के मालिक हैं। ओह, समझा। रमेश कहाँ है, दो दिन से नजर नहीं आया। जी मुझे भी इसी बात की चिंता है, उसी ने मुझे ट्रंक कॉल करके यहाँ बुलवाया और आप खुद लापता। अजीब बात है, लेकिन गया कहाँ? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता ही नहीं। पुलिस में इंक्वायरी की? जी हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई है, लेकिन उन्हें भी अभी तक कुछ मालूम नहीं। खैर, घबराने कोई बात नहीं, हो सकता है बिजनेस सिलसिले में कहीं वो हांगकांग या बैंकॉक चला गया हो। फिर भी उसे ऑफिस में खबर तो करना चाहिए था, शायद कुछ जरूरी काम हो। बहरहाल मैं कल सुबह मालूम करूंगा। और हाँ, हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम परदेश में हो, बल्कि मेरी तो ये राय है कि तुम ही रहो। कैसे रहेंगे चाचा जी, इतनी जिद की, तब थोड़ा सा खाना खाओ। देखिए, आप मिस्टर चाचू बाहर बुलाते हैं। मिस्टर चाचू तुम्हारे दोस्त हैं। जी हाँ, उन्हें अंदर बुला लो। देखिए काफी रात हो चुकी है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। बेटा इन्हें बाहर छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर कब आएंगे आप? जब आप बुलाएंगे। बुलाने की भी जरूरत है? आपको हमारा इंतजार रहे, हम बिन बुलाए चले आएंगे। मैं इंतजार करूंगी। हम जरूर आएंगे। बाय बाय। बाय बाय। The data compiled by the Asian companies concerning the rubber estate. Please look into this matter immediately. Miss Chin Chin Chu, please come in. May I come in, sir? Please come in. Yes, sir. Ye letters chachu ko de dena. Yes, sir. And wait. Sit down, please. Thank you, sir. मिस चिन चिन चू, कल शाम को आप कहाँ थीं? कल शाम? यस्टरडे इवनिंग। इधर से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर गया। बस? यस सर, दैट्स ऑल। यानी कल शाम को आप शोभा के घर पे नहीं गई थीं? नो सर, हम नहीं गए था। बट व्हाट इज द मैटर सर? बात क्या? कुछ नहीं, शायद मुझसे पहचानने में गलती हुई। यू कैन गो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया था। किसका फोन था? एक लेडी आपसे बात करना मांगता था। लेडी? कौन लेडी, क्या नाम था? नाम नहीं बोला, नंबर बोला। ऑलराइट, पुट ऑन द लाइन। यस सर। चाचू, ये आज का मेल बॉस ने दिया। चिन चिन चू। व्हाट? आई डोंट लव यू। व्हाट हैपेंड? तुम इतना देर बॉस का कमरे में क्या करता था? हम कुछ। एक्सक्यूज मी। यस बॉस। मिस चिन चिन चू, नंबर मिला? मिला था बॉस। हेलो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। स्पीक
किया बॉस। हेलो, यस, मैं शाम बोल रहा हूँ। आप हमको पहचाना? ओ मिस मारिया। थैंक गॉड, कैसा है आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आपकी तबीयत कैसी है? हम आपको बहुत याद करता। कोई खास बात है क्या? हम आपसे कभी मिल सकते? जब आप कहें। हम तो बोलेगा अभी। ऑलराइट। कहाँ मिलेगा? जहाँ आप कहें। आप टाइगर गार्डन जानता? आप भूलती हैं कि मैं सिंगापुर में पैदा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ऐसी हम एड्रेस बोलता, नोट आप करो। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। यस, नॉर्थ ब्रिज रोड। नॉर्थ ब्रिज रोड, चंचली के सामने। चंचली के सामने से आगे मैं पता खुद लगा लूंगा। डू कम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। यस, ऑलराइट, बाय, आई विल मीट यू। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। yes. टेप रिकॉर्डर पर मैंने दो चिट्ठियां रिकॉर्ड कर दी हैं, उन्हें जल्दी से टाइप करके बंबई भिजवा देना। ओके बस। ओके। मिस चिन चिन चू, कम ऑन, कम ऑन। लेडीज फर्स्ट। हेलो, तुम आया? यू सो नाइस। कितना अच्छा, पर देर क्या, सो लेट। मैं तो फोन मिलते चल पड़ा था मारिया, लेकिन रास्ते में दो एक जगह रास्ता पूछना पड़ा। उधर तुम रास्ता पूछता, इधर मैं तुम्हारा रास्ता देखता। कम ऑन, कम ऑन। दिस वे। वाह, अजीब गार्डन है मगर बहुत खूबसूरत। दैट्स व्हाई मैं तुमको इधर लाया, चाइना का सब स्टोरी दिखाने को। आहा, कम ऑन। देखो, लव करता। ओह, लव जानता, मोहब्बत। आहा, तुम क्या किसी को मोहब्बत? मैं भी अभी तक नहीं किया था। और अब? मालूम नहीं, लव करने से नहीं, अपने आप होता। तुम्हारा हुआ किसी से? आप पूछता, समझता नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, पर जब से आपको देखा हमारे दिल दिल पे काबू रखो मारिया, परदेसी की पीत एक सपने की तरह होती है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। क्या मतलब? मैं बहुत जल्द यहाँ से बंबई वापस चला जाऊंगा। बॉम्बे जाना है? हमारी मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मुझे अपने मैनेजर का इंतजार है, उसके आते ही मैं उससे फैसला करके वापस चला जाऊंगा। आई सी, बट फिर कब आएगा? फिर आने का सवाल पैदा नहीं होता मारिया।
Mr. Sham. Please come. Come on, let's enjoy. Have some whiskey. Maria, तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं. तो पी के देखो, life में happy होना, कुछ होना. You see, Maria, जो खुशी पीने से मिलती है, वो नशे के साथ आती है और नशे के साथ चली जाती. You are very smart. Okay. हम अभी चेंज करके आता. What? I'll only be a moment. Pergi panggil tuan itu naik. मेम साहब ऊपर बुलाता. से गोली मारकर भाग गया है, मैं पता लगा. नो, उधर जाना नहीं, कोई गैंग वाला बदमाश. फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ. नो शैम, नो, इधर गैंग वाला लोग दुश्मन हो जाएगा, शूट कर देगा. मगर मारिया, वो गोली किसने चलाई, कौन था वो आदमी? तुम्हारे यहाँ किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नो, हम सोचता तुम्हारे वास्ते. मेरे वास्ते? मुझ पर किसी ने गोली चलाई है क्या? मगर क्यों, मुझे यहाँ जानता ही कौन है? और फिर इस घर में इस वक्त मुझे मारने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? इधर बदमाश लोग सब पता रखता. आप रिचमैन रबर एस्टेट का प्रोप्राइटर. तो क्या हुआ? यह रबर एस्टेट मुसीबत है, आप इसको बेच क्यों नहीं देता? ये तो मैं कर नहीं सकता मारिया, जब तक रमेश वापस ना आ जाए. तभी हम बोलता रबर एस्टेट बेच दो, फिर हम और आप इधर से चला जाएगा हांगकॉन्ग टोक्यो. नहीं मारिया, मैं इतना बोझिल नहीं कि बदमाशों की धमकी से डर जाऊं. नो नो, डरना काहे को, कभी हमारा हेल्प का जरूरत हो, आई एम ऑलवेज विद यू. थैंक यू सो मच, काफी देर हो चुकी, मुझे जाना चाहिए. राइट, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ. मैं अपने फर्क करना जानता हूं. गुड नाइट. गुड नाइट डार्लिंग. अजीब मुसीबत में फंस गया. बोलो बस. मुझे मुझ पर किसी ने गोली चलाई. बॉस, गॉड, तुमको गोली नहीं लगा? बस नहीं, मैं बच गया हूं, लेकिन समझ में नहीं आता. तुम किधर गया था बॉस? मैं मारे के यहां गया था. ओ, एरोप्लेन वाला लड़की, उधर तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता. जरूर कोई गैंग वाला तुम्हारा पीछे आएगा बॉस. हो सकता है. बस आप हमको वो टेप रिकॉर्डर करने को एक लेटर दिया था ना, तो टेप रिकॉर्डर में से कुछ अजीब अजीब साउंड आता बॉस. रमेश, रबर का खजाना, रबर स्टेट, ऐसा कुछ साउंड आता. हमको लगता तुम्हारा टेलीफोन पे कुछ बात बॉस. रमेश के साथ रबर स्टेट और खजाने के बारे में? हाँ बॉस. ऑफिस में? हाँ. लेट्स गो. चलो. अरे ये मेरा म्यूजिकल स्टिकर स्टेट है. बस इसे कौन ने मुझे उलझन में डाल रखा था? साफ जाहिर है कि या तो रमेश ने किसी अजनबी को देखा, या कैबिन के बाहर से कोई आवाज सुनकर फोन छोड़कर बाहर चला गया.
तुमने कहा था ना कि यहाँ के गैंग वाले डॉलर के लालच में अमीरों को उठा ले जाते हैं। यस बॉस, बट टेक इट इजी बॉस। मेरे ख्याल में रमेश के साथ भी यही हुआ है। खजाने के लालच में गैंग वाले उस नक्शे के पीछे पड़े, लेकिन वो नक्शा है कहाँ? हमको नहीं मालूम बॉस। मैनेजर रमेश ने हमको कभी बताया नहीं बॉस। ये खटपट की कैसी आवाज? ऐसा लगता है जैसे रमेश ने कोई चीज खोली। हो सकता है उसने कोई ड्रॉर खोला हो और उसमें नक्शा रख दिया हो। ये शराब की बोतल ऑफिस में क्यों रखी हुई? इसे बाहर ले जा। ओके बॉस। वही है बस, वही म्यूजिक है चाचू। ये क्या है? चाचू ये वही नक्शा है। यस बॉस, गुड लक बॉस। अब समझा, बदमाशों को देखकर रमेश ने नक्शे को तो छिपा दिया लेकिन खुद फंस गया। अब इस नक्शे के लिए बदमाश लोग या तो यहां आएंगे या इसके जरिए मैं उन तक पहुंचूंगा। ऐसे ही खामोश रहना था तो मुझे साथ क्यों लाए? रमेश के अचानक गायब हो जाने से मैं काफी उलझन में पड़ गया। दरअसल आज मैं आपसे एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़की के बारे? आप गलत मत समझिए मुझे, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, उसका नाम है चिंचिंचू। क्या आपने उसे अपने चाचा जी के साथ कभी आते जाते देखा? जी हाँ देखा तो है, वो तो हमारे घर पे कभी कभी आती है। आपके घर आती है? लेकिन उसने मुझे कहा था कि मुझे इस अंधेरे में कुछ रोशनी नजर आ रही है। लेकिन इस लड़की का आपके अंधेरे उजाले से क्या वास्ता है? वक्त आने पर आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। कब आएगा वक्त? जब आप चाहें। मैं चाहूं? अच्छा सच बताइए, वो लड़की बहुत पसंद है आपको? अगर मैं सच कहूं तो यकीन कीजिएगा। क्यों नहीं? तो फिर यकीन जानिए कि मुझे उस लड़की से कोई वास्ता नहीं, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कि कमबख्त एक ऐसी लड़की मिल गई है जिससे के जिससे के जिससे क्या जिससे वास्ता तो जोड़ना चाहता हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अगर रास्ता मिला और भटक गए तो? और भी अच्छा रहेगा, आप साथ रहेंगे ना? आप चाहते हैं मैं भी आपके साथ भटक जाऊं? साथ है तो भटकना ही होगा। ओह तो चलिए बाएं तरफ, गाड़ी रोकिए। लीजिए गाड़ी रोकती। चलिए नीचे चलिए। नीचे चलूं? क्यों? भटकना ही चाहते हैं तो उतरना ही चाहिए। यानी कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं? हाँ चलिए चलिए, साथ मिलेगा ना? जरूरत नहीं होगी, आज के दिन तो अपने आप साथ हो जाता है। ऐसी भी क्या बात है, यहाँ के लोगों का मेला है, लोग आपस में मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। या यूं कहिए कि दीवाने बन जाते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे के हो जाते हैं। जाओ दीवाने आए मस्ती लेकर मस्ताने आए, हट जाओ दीवाने आए
मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहाँ, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो बढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहाँ, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो बढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, साज लेकर हम इस गली से इन रास्तों से निकला किए हैं अक्सर। सब जानते हैं पहचानते हैं साथी हैं हम पुराने, कह सुन चुके हैं दुनिया के लोग अपने कई फसाने। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो पढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए। जब जब मैं आंख खोलूं, हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो बढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए। कोई तो सच बताए, तुम जिस घड़े से मेरी जिंदगी में लेकर बहार आए, मेरी हसरतों के मेरी आरज़ू के ये फूल मुस्कुराए। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए। मैं शाम बोल रहा हूँ, कौन?
शिवदास जी नमस्ते। नमस्ते श्याम, मैंने अभी अभी सिंगापुर फ्री प्रेस से पढ़ा तुम्हारा मैसेज रमेश के नाम कि तुम्हें वो खजाने का नक्शा मिल गया है और तुम लेकिन मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। मैंने सोचा कि अगर ये गड़बड़ सब नक्शे की वजह से है तो जिसे जरूरत है वो नक्शा ले जाए और रमेश को छोड़ दे। हाँ, ये तो तुमने बड़ी अकलमंदी की बात की। और सुनो, आज दोपहर क्या कर रहे हो? लता और शोभा ये चाहती हैं कि तुम्हारे साथ रबर स्टेट भी देख लें और पिकनिक भी हो जाएगी, क्या ख्याल है? जी अच्छा ख्याल है, जैसे आप लोग कहें। जी हाँ जरूर आई, मैं यही इंतजार करता हूँ। बहुत अच्छा। यहाँ क्यों वक्त जाया किया जाए और चलें? जी हाँ चलिए। और हाँ, वो नक्शे का मामला था जी, आप उसे खुद ही देख लीजिए। एक मिनट आइए। क्या है वो नक्शा? ये है वो नक्शा जी जिसके लिए इतना फसाद हो रहा है। मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ सड़कें सी बनी है। खैर रखो, तुम्हारे काम आएगा। और चले चलिए। इसे कहाँ जा रहे हो? मैं उधर से पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, सोचता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दूं। पुलिस के हवाले? क्या जैसा तुम ठीक समझो। आओ चलिए। लता शोभा आओ। शुक्रिया, हमने तो सोचा था कि शायद पिकनिक ही मनाएंगे। नहीं आइए। सामान निकालो। देखा कितनी अच्छी जगह है। जी हाँ, साथ ही खूबसूरत हो तो जगह कैसे अच्छी नहीं होगी। हाँ श्याम, ये अपना बैग से मालो। इसे यहीं रहने दीजिए, एक नक्शा ही तो है इसमें, वापसी में पुलिस के हवाले करता जाऊंगा। अच्छी बात, मैं जरा अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छी बात है। शिवदास जी आदमी बहुत समझदार है। बेवकूफ तो मैं भी नहीं। लीजिए मैं चली। अरे 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 दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? इनका इशारा तो मेरी तरफ है। शुक्रिया, मेरा मतलब है। आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ, दो दोस्त और तीसरा दुश्मन, मैं क्यों आपको शिकायत का मौका दूँ? अच्छा दीदी बाय बाय। चलिए नजारा देखें। बाय। हेलो शिवदास स्पीकिंग। सुनो, यहाँ सब काम स्कीम के मुताबिक हो रहा है, तुम्हारा सब इंतजाम ठीक है? ओके ठीक है, 15 मिनट में। तुम उनके साथ नहीं गई? मेरी तबीयत ठीक नहीं डैडी, मैं यही आराम करूंगी। अच्छा अच्छा चलो वापस घर चले। ऐसी भी क्या जल्दी है? शोभा क्या सोचती होगी? तुम्हें शोभा के सोचने का बहुत ख्याल है और मैं क्या सोचता हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? जैसे तुम जानती नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम।
कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। लाख छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपाना पाओगे, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे, सरकार चले आओगे। तुम लाख जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे, दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे, खामोश चले जाओगे। तुम लाख छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपाना पाओगे, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे, सरकार चले आओगे। तुम्हारे चेहरे की रंगत तो ये बताती है, किसी की याद तुम्हें हर घड़ी सताती है, ये उलझे बाल मोहब्बत का राज कहते हैं, कमल से नैन ख्यालों में डूबे रहते हैं। तुम्हारी चाल में शोखी है और शरारत है, जरूर तुमको किसी ना किसी से उल्फत है। लो राज खुल गया, अब किस लिए छुपाते हो, जमाना जान गया, हमको क्यों बनाते हो। तुम लाख छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपाना पाओगे, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे, सरकार चले आओगे। तुम लाख जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे, दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे, खामोश चले जाओगे। खुशबू तो रुक नहीं सकती, इसी तरह से मोहब्बत भी चुप नहीं सकती। तुम लाख छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपाना पाओगे, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे, सरकार चले आओगे। तुम लाख जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे, दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे, खामोश चले जाओगे। शिवदा जी कहाँ हैं? अभी रबर स्टेट की तरफ गए। रबर स्टेट की तरफ गए? जी हाँ, उधर ही गए।
लता तुम यहाँ ठहरो, मैं भी उनको ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं देखो, तुम यहाँ इंतजार करो, वो लोग शायद दूर निकल गए होंगे, मैं भी आता हूँ। अच्छा शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी ठहरिए। शिवदास जी, शिवदास जी, किसने गोली चलाई? पता नहीं श्याम, पानी, पानी। श्याम मैं अभी लाता हूँ, आप इतमान रखिए, मैं अभी लाता हूँ पानी। शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी, शिवदास जी, जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर लाए हैं। जबरदस्ती? हाँ रमेश, हम लोग पिकनिक पर गए थे तो डैडी शाम के बैग से कोई पेपर चुरा कर। शाम? शाम रमेश आ गया? हाँ, तुम्हारे गायब होने के दूसरे ही दिन आ गए थे। मगर तुम्हारे डैडी ने पेपर क्यों चुराया? ये तो मैं नहीं जानती, मैं तो डैडी का पीछा कर रही थी, इतने में दो आदमी आ गए और मुझे पकड़ कर यहाँ लाए। और रमेश, वंडरफुल, दोनों लवर्स मिल गया, कांग्रेचुलेशंस। तुमने हमको खजाने का नक्शा नहीं बताया, लेकिन हमको मिल गया। नक्शा मिल गया मिस्टर चांग? हाँ बोलो, रबर स्टेट में खजाना कहाँ छुपा है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम सब जानता, तुम सब बताएगा। वरना क्या करोगे, मारे डालोगे ना? तुमको नहीं मारेगा, इस लड़की को मारेगा। उस काउंटर रमेश, बोलो किधर रास्ता? नहीं बताऊंगा। झूठा। लो मैं बताता हूँ। नहीं रमेश, तुम मेरी परवाह नहीं करो। शोभा तुम समझती नहीं रमेश। चुप रहो, ये नक्शा है, ये नकली है। नकली है? Bos,
आप तो मुझे कैसे जानते हो? हम आपका रॉबर्ट स्टेट में काम करता है थोलोंगची। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो मिल गया मुझे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ। मुसीबत बोस? कैसा मुसीबत? फौरन जाके पुलिस को खबर कर दो। नहीं कर सकता बॉस, गैंग वाले लोग बहुत खतरनाक है, रिपोर्ट करेगा तो झगड़ा करेगा, गैंग वाले को सबको खत्म करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ की जुबान नहीं जानता, यहाँ के रास्ते नहीं पहचानता, अगर इन बदमाशों ने मुझे देख लिया तो। घबराने के नहीं बॉस, हम आपका सर्वेंट है, हम आपको मदद करेंगे। जापानी डॉन होते होते दोनों में प्यार हुआ अनमोल, धीरे धीरे आखिर रंगीन जमाना आया, होठों पर दोनों के एक गीत सुहाना आया। प्यार की मंजिल के वो दोनों बन गए साथी, प्यार की मंजिल के वो दोनों बन गए साथी, फिर शादी की फिर बच्चे हुए और एक नहीं दो नहीं पारा। रासा सायंग रे, रासा सायंग सायंग रे, है प्यार के ही नाम रासा सायंग सायंग रे। दिन गया सारा रासा सायंग।
सायंग सायंग रे देती है गाफिल ये आंखों की शराब अलबेली अदाएं और होंठों के गुलाब अभी चीशा और बास को वापस आया उन्होंने बताया कि शाम उनके हाथों से बचकर निकल भागा निकल भागा यस शाम हमारे आदमी ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन शट अप गैंग का सब लोग बेकार है बेवकूफ है हाथ में आया हुआ शिकार धोखा दे गया और सब लोग देखता रह गया सारा स्कीम खराब कर दिया उसको शूट क्यों नहीं किया लेकिन आप ही ने तो बोला था कि उसे शूट नहीं करना एक्सीडेंट से जख्मी करके उसे यहाँ लाना बैड लक शट अप वो लोग अभी इधर पुलिस लेकर आएंगे तो क्या करेंगे शोभा और रमेश को दूसरा अड्डा में भेज दो और ये जगह खाली कर दो आओ मेरे साथ दादा दादा कहाँ है कमरे में सर लता तुम आ गए शाम मैं कब से रास्ता देख रही हूँ सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए शोभा और चाचा जी कहाँ हैं बात क्या है बोलते क्यों नहीं लता तुम्हारे चाचा जी क्या हुआ उन्हें क्या कहूं लता दिल पर पत्थर रखकर सुनना होगा शाम लता तुम्हारे चाचा को बदमाशों ने गोली से मार दिया जानता हूं यह सदमा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा मगर होने को कोई भी नहीं टाल सकता जो होना था वो हो गया अच्छा आ गए खन्ना मैं आप ही को टेलीफोन करने जा रहा हूं पहले ही खबर मिल चुकी है सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे आपसे ये उम्मीद न थी आपके नाम वारंट है मेरा नाम वारंट जी हाँ पहले ऑफिस की तलाशी होगी बाद में आपका ब्याह मगर क्यों क्या वजह है ये वारंट ये तलाशी आखिर मैंने क्या क्या है खून मैंने खून किया कब किसका खून किया मैंने ये भी मुझसे पूछ रहे हैं आपने शिवदास का खून किया दास का खून मैंने हरगिज नहीं ये गलत है ये झूठ है आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं तुमने ऐसा क्यों किया क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा खूनी कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ किसने फंसा मुझे इस केस में चुप चुप तुमने चाचा का खून यही नहीं तुमने शोभा को भी लता कहाँ है शोभा इंस्पेक्टर
मेरी बहन कहाँ है? घबराइए मत, सब पता लग जाएगा। Come on, let's go. मिस्टर शैम, आप इधर, हम आपके घर में होके आया। But the police, why? What's the matter? क्या बताऊँ मारिया जी, उलझन में फंस गया हूँ मैं। कैसा उलझन? You see, मिस्टर खन्ना, please come here. Yes. क्या बात? हमने सब रूम की तलाशी ली, इस रूम में ताला लगा हुआ है। मिस्टर शैम, आपके पास चाबी है? ये तो बाथरूम का दरवाजा, इस पर ताला किसने लगाया है? मेरे पास चाबी तो नहीं। आपके पास नहीं है? ब्रेक दबाओ, तोड़ दो ताला। बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। मिस्टर शाम, आपको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, इसमें जरूर कोई चाल है। यकीन जानिए, मेरी मिस्टर शिवदास से कोई दुश्मनी नहीं थी। वेरी सॉरी, आपको जो कुछ भी कहना हो पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। इंस्पेक्टर, आई ऑफर द बेल फॉर हिम। सॉरी मैडम, इन पर खून का इल्जाम है, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा, मतलब बेहोश है, इनके बारे में सोचा आपने कुछ? यू डोंट वरी फॉर दैट, हम इनके भिजवाने का बंदोबस्त कर देंगे। चलिए आप। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बताओ इंस्पेक्टर साहब, वो लोग तीन तीन आदमी था बॉस, हम अकेला, हमारे हाथ बांध दिया बॉस, मुंह में कपड़ा डाल दिया, हम बात नहीं कर सकता, फाइट नहीं कर सकता, बस कुछ कुछ। तुमने उनको नक्शा निकालते हुए देखा क्या? नो बॉस, नहीं। यस बॉस, यस, ठीक ही दीदी बॉस, वो लोग खाली नक्शा लेके गया और कुछ नहीं लेके गया बॉस। अगर आप लोग कल रात को ही चले गए होते तो नक्शा गायब नहीं होता। बट ये वाक्य कल शाम का है। कल शाम का? फिर तो साहब जाहिर है कि शिवदास के खून का इल्जाम मुझ पर लगाकर बदमाशों ने आप पुलिस वालों को धोखा दिया ताकि इधर मैं फंस जाऊं और उधर वो नक्शा गायब कर सके। यस सर, यू राइट। आई एम कमिंग। आप बैठिए। इंस्पेक्टर चौंग, मिस्टर शैम का जमीन का क्या हुआ? प्लीज वेट, अभी बताता हूं। थैंक यू। यस सर। मिस्टर चौंग, हियर इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आई थिंक द केस इज वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड। आई एम पजल्ड। जी हाँ, मुझे भी एक केस कुछ उलझा हुआ लगता है। यस यस, यू राइट, यू कैन गो ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक वी कैन रिलीज अ सस्पेक्ट ऑन बेल। ऑल राइट सर। देखो उस कमरे में जो मैडम बैठी है उन्हें अंदर भेज दो। यस सर। गुड न्यूज मिस्टर शाम, चीफ ने आपकी जमानत के लिए मंजूर कर लिए गए। थैंक यू इंस्पेक्टर चौंग, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानून के दायरे में रहते हुए मैं बदमाशों को गिरफ्तार कराने में आपकी पूरी मदद करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। डिड यू कॉल फॉर मी इंस्पेक्टर? यस मैडम, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। शखना, आपकी जमानत मंजूर हो गई है। हियर इज द बॉन्ड पेपर, प्लीज साइन इट। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। अब आप लोग जा सकते हैं। Thank you very much. Good day, Inspector June. Maria, मेरी जमानत देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आप क्या बात करता मिस्टर शैम? I have done my duty.
ड्यूट बॉस, जो औरत कोई आदमी पर लव करता तो वो अपना पूरा ड्यूटी करता बॉस। देख दीजिए बॉस। हम आपको फिर बोलता मिस्टर शैम, अब एस्टेट बेच दो, सब ट्रबल खत्म होगा। मारिया, इसका सवाल ही नहीं उठता। वेल थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई मीट यू अगेन, काफी थका हूं, घर जाऊंगा। बाय बाय। चांग? यस। तुम जानता शाम को पुलिस जमीन पर छोड़ दिया? जानता, बट खजाने का असली नक्शा अपने पास है। जब ये अपना शिप हांगकांग से आएगा, हम खजाना लेकर सिंगापुर से बाहर चला जाएगा। वेरी गुड, बट तभी तक शाम पर नजर रखना जरूरी। यू डोंट वरी, हम सब बंदोबस्त करेगा। ओके अपो कम प्लीज। तुम मत छुओ इन होने हाथों से मुझे। होनी, ये तुम क्या कह रही लता? आखिर तुमने ये दुश्मनी क्यों की हमारे साथ? क्यों तुमने चाचा जी का खून किया? क्यों तुमने मेरी बहन को गायब किया? क्यों तुमने? लता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाने के बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लता भी नहीं सोच सकती कि अगर मैं गुनहगार होता तो पुलिस मुझे जमानत पर कभी नहीं छोड़ती। जमानत पर छोड़ने का ये मतलब तो नहीं कि तुम बेकसूर हो। देखो लता, असलियत तो यह है कि मेरी रबर एस्टेट में खजाना छिपा हुआ, उसका नक्शा मेरे बैग से निकाल कर खजाने का पता लगाने के लिए जब तुम्हारे चाचा जी। खामोश, फोन करने के बाद उन पर चोरी का इल्जाम लगाते हो? यकीन जानो लता, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे चाचा जी ने मैं कोई सफाई कोई दलील नहीं सुनना चाहती। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बॉस, क्या बात है, तुम बहुत सैड दिखता है बॉस। चाचू, लता ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, लेकिन असलियत जानने के लिए जो फैसला मैंने किया है वो सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। दुख की कोई बात नहीं बॉस, हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं। चाचू, मैंने दो बार शिवदास के साथ तुम्हारी चिंचिंचू को देखा और हमेशा मुझे देखकर उसने अपने आप को छुपा लिया। व्हाट? हाँ, मैंने एक बार लता से पूछा था, उसने यही बताया मुझे कि शिवदास को चिंचिंचू मिलती है। बॉस बॉस, हम उसको पुलिस के हाथ में देंगे, तुम बोले बॉस हम उसको जान से मार डालेंगे। इससे हमारा कोई फायदा नहीं चाचू, मैंने एक और तरकीब सोची। बोलो बॉस बोलो। हाँ, गाड़ी में बैठा, तुम बताता हूँ। ओके बॉस। ओह, अभी तुम कब तक विस्की पीता रहेगा डार्लिंग? डिनर नहीं खाएगा? डार्लिंग जरूर तुमको खाएं, सॉरी डिनर खाएगा, लेकिन विदाउट म्यूजिक डिनर का क्या मजा आएगा? डार्लिंग तुम म्यूजिक बजाएगा। ओके। यू स्वीट माय चिन चिन चू 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 मा। वाह वाह, मजा आ गया, वंडरफुल, वेरी गुड। ये फूड कितना अच्छा है, फुजिया है चू चू चू। माय डियर चिन चिन चू, एवरी प्लेट तुमको देखता यू ही यू, वंडरफुल। डार्लिंग, तुम हमेशा लव की बात करता बट मैरिज नहीं करता। करेगा डार्लिंग, बट अभी तो लव चलता, लव खत्म होगा तो पीछे मैरिज करेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग, नशे में बोलता, समझता कुछ नहीं। माय डियर चिन चिन चू, अरे हम सब समझता है, तुम क्या समझता है? हम नहीं समझता है, अभी हमारा लव तुम्हारे साथ खत्म हो गया। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, अभी हम तुम्हारा साथ शादी करेंगे, यानी मैरिज। पहला बरस एक बच्चा, दूसरा बरस एक बच्ची और तीसरा बरस एक साथ दो बच्चा होगा और चौथा वर्ष हम मर जाएंगे। डोंट बी सिली, क्या बोलता तुम? ओह माय चिंचिंचू, डोंट वरी, देखो हमारे मरने के बाद तुम हमारा इधर फोटो लगाना हा? और बच्चों के साथ प्रे करना। चाचू हाँ, डोंट, वेरी गुड वेरी गुड। ये किसका फोटो है? लंबा लंबा दाढ़ी मुच्छी चिंचिंचू, अगर तुमको दाढ़ी मुच्छी पसंद है तो हम दाढ़ी मुच्छी लगाएंगे। वो तो मेरा है शीशा। नो नो डार्लिंग, हम देखा, इट्स
अरे ये तो चलता है, भूत, वो भूत डाले हमारे। अरे तुम कितना बच्ची पिया, चाचू उठो, चाचू। खामोश, खुचे के हम भूत नहीं इंसान है, हमारा नाम खान गुलाब खान है। खुचे के हम 6 कत्ल किया, फिर साहब बोला कि हम 9 कत्ल करेगा, खुचे के 3 कत्ल अभी बाकी है। चुप रहा तुम। नो नो प्लीज डोंट किल मी। हमें किल फिल दिल नहीं फटा, तुमको मालूम है, तुमको खबर है, तुम जानता है कि हम काबुल खानदान से सिंगापुर चल कर आया, हम अपना 3 कत्ल इधर करने के वास्ते आया। हम गुलाब खान के हाथ से तुमको खुदा भी नहीं बचा सकता। अगर तुम हमारा सवाल का ठीक ठीक जवाब देगा तो हम तुमको बख्श देगा। हाँ, ठीक जवाब देगा, ठीक जवाब देगा। तुम शिवदास को जानता है? शिवदास? हम नहीं जानता। नहीं जानता? हम तुम्हारा गर्दन छुरी से काट देगा। खोचे के शिवदास के साथ तुम्हारा क्या था? तुम बोलते क्या को नहीं है? हम अपना ऑफिस का लेजर शिवदास को देता था। पदार्थ साख, बोलो उन खतों में क्या लिखा था? है? उनमें रबर स्टेट के खजाने का रेफरेंस था। वो खत हमारा मैनेजर ने बॉस को लिखा था। खजाना? खोचे वो खत किधर है? शिवदास के रूम में है, टेबल के राइट हैंड ड्रॉ में। व्हाट? क्यों डरती गर्ल, तुम्हारे बॉस को धोखा दिया? नो नो चाचू डाली, हमसे गलती हो गया। शिवदास हमको डॉलर देके लेजर मांग रहा, हम दिया। ओह, तुम्हारे फादर का लेटर था जो तुम दिया, तुमको हम अभी पुलिस के हाथ में देगा। पुलिस को प्लीज फॉरगिव मी। खोचे, खोचे तुम सच बोला, तुमको बख्श दिया, लेकिन देखो बाहर कोई आया है, तुम उसको कुछ बताया हमारे बारे में तो हम तुम्हारा खोचे याद रखना है। गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आप क्या मांगता है? पहले तुम अपना बॉस का इन्फॉर्मेशन शिवदास को देता, अभी तुम वही इन्फॉर्मेशन हमको देगा। हम नहीं देगा। ओह कम ऑन यंग लेडी, दिस इज $100 एडवांस। नो नो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है और तुम देगा। गुड नाइट। गुड नाइट। लिसन प्लीज। चाचू। यस बॉस। मैं इस आदमी को पहले भी देख चुका हूँ, रबर स्टेट में इसने मेरी जान पर हमला किया था। खोचे, बोला बोला खोचे, ये लोग कौन था? हमको नहीं मालूम, हमको डॉलर देके हमारा बॉस का इन्फॉर्मेशन मांगता था। आ, तुम बेईमानी करता है। ए मिस्टर, तुम चौकी संभालो, हम उस बदमाश के पीछे लगता है। खाएगी मैं यारों की नजर, जी हाँ यह है दिलदारों की नजर। धोखा खाएगी मैं यारों की नजर, जी हाँ यह है दिलदारों की नजर। लात
मत छुपो तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुमको दिल भर बाखुदा धोखा खाएगी नयारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर धोखा खाएगी नयारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर हर अरमान एक तूफान सच्चा है प्यार पहली है बार जादू करे दिलों पर बाखुदा 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 धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर लाख चुको तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुम तो दिल भर हो कुर्बान धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर साके तुम आज चाहे बनके पराए ठुकरा दो प्यार मेरा ऐ फूलो पर मत भूलो गिनती के चार दिन की बहार हर शब्द है सवेरा बाखुदा 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 धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर लाश चुपो तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुमको दिल भर हो कुर्बान धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर दिल मेरा अलबेला चाहत परस्त रहता है मस्त जिस हाल में जहां है तुम अक्सर बातें कर जाते हो भूल ये क्या असूल ये भी कोई जुबां है बाखुदा 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 धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर लाख चुको तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुमको दिल पर बाखुदा धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर धोखा खाएगी न यारों की नजर जी हाँ यह दिल तारों की नजर हमारा पैसा तुम्हारा पास था ए जानमरी हम $200 कुर्बान करने के लिए तैयार है चलो कमान $200 खोचे ये तो गर्मी का था हमसे भाई ये ठंडा था ठंडा तुम शो करो थ्री यस यस एक कुर्बान तीन यक्का तुम्हारे पास है बहुत होशियार हम भी काबुल का है हमारा काबुल के पत्थर में चार यक्का होता है पांच यक्का नहीं होता है दो यक्का हमारे पास है तीन यक्का तुम्हारे पास है हम तुमसे अपना दिमाग ठीक करेगा
तुम समझता क्या है? हम खानपुर से आया, हमारा नाम खान गुलाब खान है खोचे। हमको फिर साहब बोला कि हमारा खातल करने का है। अभी हम सिर्फ 6 खातल किए, हमारा 3 खातल बाकी है। इस जान मोरे तो मार का बच्चा है तो मुझे चलो खबरदार। देखो खान, अभी हम उसको रोका, तुम भी झगड़ा बंद कर। साहब मुझे तुम्हारा मूछी है ना, हमारा भी मूछी है पठान का। हम मूछी वाला साहब का बात खादर करता है। जरा बख्श दिया। वेरी गुड, इधर हमारे पास। अरे खान, तुम क्या काम करता है? खोजे तुम सुना नहीं, अभी हम कातल करता है, खून करता है। तुम बहुत बहादुर आदमी हो। खोजे तुम, हम तुम्हारा बहादुर देखा किधर है? हम बोले किसी का कातल करेगा $5,000 लेगा। देखो हाँ, तुम कल शाम को 7 बजे हमको इधर मिलो। अच्छा मिलेगा, हम पहले टोपी अपना उठाएगा। बस बाहर निकलाओ वरना गोली मार दूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम? हाँ, जिसकी तुम सूरत भी नहीं देखना चाहती। इसीलिए भेष बदलकर चोरी करने आए हो? नहीं, बल्कि अपनी चोरी की हुई चीज लेने आया हूँ। ये वही खत हैं जो रमेश ने मुझे लिखे थे। ये खत यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे टाइपिस्ट ने कबूल कर लिया कि उसी ने ये खत तुम्हारे अंकल को दिए थे। और इन खतों से साफ जाहिर है कि मेरी रबर एस्टेट में कोई खजाना छिपा हुआ। इनके असलियत का पता मुझे न चल सके और रबर एस्टेट वो खरीद सके, इसलिए ये खत बीच में से उड़ा ली गई थी। लेकिन उनकी लाश तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंची? बात दरअसल ये है कि बदमाशों का एक ग्रोह उसी खजाने के पीछे लगा हुआ है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि मैं फंस जाऊँ और उनका काम बन जाए। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं भेष बदल कर उनके ग्रोह में शामिल हो गया। क्या? और मुझे शक है कि रमेश और शोभा भी उन्हीं के कब्जे में है। रमेश और शोभा, तुम पुलिस में खबर क्यों नहीं देते? अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अगर तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम तब तक मुझे खूनी समझती हो ना? मैं क्या करूं? कर सको तो मेरे यकीन करो। मैं अंदर आ सकता हूं? कौन? अरे मिस्टर श्याम, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ इतनी रात को? इंस्पेक्टर साहब, ये खत देखिए। ये वो खत जो रमेश ने मुझे लिखे थे, लेकिन मेरी सेक्रेटरी को बहका कर शिवदास ने इन्हें हासिल कर लिया था। शिवदास ने? यानी वो पहले से इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे? यही वजह कि गैंग वालों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैंने गैंग वालों का पता लगा लिया। गैंग वालों को पता लगा लिया? कौन है वो लोग? अभी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल मैं उनके गैंग में शामिल हो रहा हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, जो स्कीम मैंने बनाई है उसके लिए मुझे पुलिस की मदद की जरूरत है। आप अपनी स्कीम बताइए, पुलिस आपकी हर तरह से मदद करेगी। तो सुनिए,
बोगी स्ट्रीट के पीछे जो गली जाती है उसके दाएं तरफ जो कार्निवल है उस कार्निवल के अंदर गैंग वालों का अड्डा है। मेरी जान बचाओ तुम पर कुर्बान। कुर्बान लगाओ इधर और कुर्बान तो पठान की जान बोलता है गुलाब खान चूंटी भी जान। अरे बिल्ली जान के बच्चे हमको बुढ़ा बोलता है बुढ़ा तुम तुम्हारा बाप गया। ए ने खातून इस नमकखोर के बच्चे को अंदर कौन घुसने को दिया मैं तुमको बात करने का थमे इसने बुढ़ा हमको फिर से बुढ़ा बोला क्यों दाढ़ी वाले कार्टून मार मार के जमीन पर फ्लैट कर दूंगा। यू डोंट वरी डार्लिंग ये दाढ़ी वाला ने हमारा इंसल्ट किया हम इसका बदला लेगा। तुम जल्दी इधर से भागो। चीना साहब खोचा ने बुलाया था इधर पहुंच गया। वो ठीक है लेकिन अभी पुलिस आने वाला है। खोचा चीना साहब हम पुलिस से नहीं डरता हमारा नाम खान गुलाब खान है हमारा फिर सब बोला हमारा हाथ में 9 कतल लिखा हम सिर्फ 6 कतल किया अभी 3 कतल बाकी है। पुलिस आया वो जाने तो ना रे वाली वो देखो वो दाढ़ी वाला पठान चलो दीजिए मैं इसने हमको मारा इसने हमारा मर्डर करने का कोशिश किया। खोचा बुड्ढा बहुत हम तुम्हारा अभी भी मर्डर काय को तुम झगड़ा करता है कुछ नहीं जानता तुम सब जानता है। बुड्ढा को बोला मैदान में चले मदद कुछ भी करे हमको डिसिप्लिन ताकत लगाने का जरूरत नहीं पठान के साथ हम अपने आप चलेगा लेकिन याद रखो है तो हमको जेल में बांध करके नहीं रख सकता। खोचे हम चलो 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 बुड्ढा तुमको देखेगा माफी देखेगा चौकी माफी डरता है और मारो देख लिया मुझे मारने का नतीजा। खोचे एक बुड्ढा हम तुमको ऐसा मार एक गर्द में लेकर चलेगा चले चलो पुलिस स्टेशन हमारा भी बहुत बेचते जा रहा है I'm sorry, Inspector साहब मौके की वजह से मैं अपने हाथ को रोक नहीं सका और आपको जोर से मार दिया। अरे ऐसा राइट ऐसे मौके पर तो जान तक की बाजी लड़ा देनी पड़ती है। गाड़ी रोको आप प्लान के मुताबिक तुम यहां से भागो मैं पुलिस को भेजता हूं। वेरी वेल हो गया पुलिस की तरह खोजे पठान के पीछे लगा है। देखो तुम तो कमरे में जाकर छुप जाओ हम पुलिस को देखते हैं। खोजे वीर साहब खैर करेगा आप खबर इंस्पेक्टर खबर भाई यहाँ पर कोई खान आया। खान इधर कोई खान नहीं आया आई मीन किसी दूसरी जगह गया होगा। ना ना हम इधर सर्च करेगा जाओ सर्च करो। ओके लेकिन सर हम आपको बोलता इधर कोई खान आता हम खुद उसको पुलिस के हवाले करता। थैंक यू बट ये हमारा ड्यूटी है। ठीक है ठीक है आप ढूंढो इधर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑलराइट सर इधर कोई नहीं मिला हम आपको बोला इधर कोई खान नहीं आया। देखो इधर खान मिलेगा तो इसको फौरन खबर कर दो बहुत डेंजरस आदमी। ओके यस सर गुड नाइट गुड नाइट। वो चिन्हमन साहब पुलिस लोग गया हम पुलिस को भेज दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया। खान खान गुलाब खान अभी हम तुमको काम दिलाएगा बॉस से मिलाएगा। चलो 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 बच्चे क्या जगह बना कमाल है एकदम पुलिस में खिला खिला भी दिखता है। हमारा काम के वास्ते छुपा हुआ प्राइवेट जगह बहुत जरूरी है। समझा हेलो बॉस गुलाब खान खोचे के नखा पोष है नखा पोष नहीं
बॉस बोला। ओ बॉस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिट डाउन। चांद हमको बोला तुम बहुत बहादुर आदमी है, बट हमारा काम बहुत डेंजरस, खतरे वाला। खोचे खान गुलाब खान खतरे से नहीं डरता, जान से खेलता है। खो तुम देखो नहीं पुलिस वाले को कैसे भगाया। यस यस यस, बट अभी तुम इधर रहेगा, इधर रहने वाले को बाहर जाने का परमिशन पान। खोचे नहीं जाएगा, हम इधर काम करता है, हम इधर आएगा। ओके जाओ चांद, खान को उसका कमरा दिखाओ और सब लोग से मिलाओ। ओके बॉस, चलो खान। खुदा हाफिज बॉस। माफ करना, इधर का पिस्ता खा के बदन में बहुत चुस्ती आ गई। चलो। ओ आप आ गया चाचू। अरे अरे, आप इतना परेशान, मरीज काहे को है? मैं शाम से मिलना चाहती हूँ। बट बॉस तो इधर है नहीं। मैं जानती हूँ चाचू, वो मुझसे नाराज है और इसलिए बदमाशों के गैंग में शामिल हो गए हैं। यस, बट टेक इट इजी, हमारा बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग बहादुर। तुम जानते हो उन बदमाशों का ठिकाना? नहीं। यस जानता है, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे वहां ले चलोगे? वो वहां डेंजर, खतरा बहुत। अगर उन पर खतरा आ सकता है तो मुझ पर भी आने दो। बट मैडम, हम तुमको नहीं ले जा सकते। प्लीज चाचू, हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हो, शायद हम लोग कुछ मदद कर सके। ऑलराइट ऑलराइट, चलो। बट मैडम, वहां गैंग वाला तुमको भी जानता, हमको भी जानता, वो तो शूट कर देगा। चाचू ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, बहुत अच्छा आइडिया। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ड्यूटी ऑफ ईस्ट द वेस्ट एंड द मिडल एंड माइसेल्फ, टुडे आई विश टू प्रेजेंट यू द रोज ऑफ द ईस्ट, द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, मिस आप लोग डेली मिस लिली का सॉन्ग एंड डांस देखता, एम आई करेक्ट? प्लीज से यस। ओ थैंक यू थैंक यू, आज आपको नवा डांस देखने को मन था, एम आई करेक्ट? प्लीज से यस। अरे वेरी गुड वेरी गुड। बियर्ड ऑन द हेड, ये सर इधर क्या गड़बड़ करना मांगता? सर आपको आज एक ऐसा आइटम फ्री देगा साहब के आप उम्र भर याद करेंगे। नहीं मांगता, फ्री नहीं मांगता। प्लीज यस बोलो। नहीं मांगता। तुम्हारा पाँव पकड़ता सर, बोलो यस। हमारा पाँव पकड़ता? यस सर। ओके ओके, गॉन गॉन, थैंक यू सर थैंक यू। कहाँ खो गया बालम मतवारा, मैं ढूंढू तुझे गलियां और चौबारा। तू कहाँ खो गया बालम मतवारा, मैं ढूंढू तुझे गलियां और चौबारा। तू कहाँ खो गया बालम मतवारा, मैं ढूंढू तुझे गलियां और चौबारा। अंगारा, मैं ढूंढू तुझे गलियां और चौबारा।
जख्मी दिल को सहारा, मैं ढूंढूं तुझे गलियां और चौबारा, तू कहां खो गया बालम मतवारा, मैं ढूंढूं तुझे गलियां और चौबारा, तू कहां खो गया बालम मतवारा, मैं ढूंढूं तुझे गलियां और चौबारा। चाचा जी, अपने लिए नहीं। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ और किसी से मत कहना कि तुमने मुझे जिंदा देखा। जब अगर आप सचमुच अपनी और हमारी भलाई चाहते हैं तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, वरना आपकी असलियत पुलिस को मैं बताऊंगी। ले जाओ और सोलह बंद कर दो। अच्छे तुम तीन तीन जान मरी देख, छोकरी को पकड़ नहीं सकता, खोला तुम छोकरी और तुम इसको किधर ले जाता है? बहुत बोलो, इसको बंद करो। जा जा, तुम खाना खा, तुम सिगरेट पिया, तुम सो जा। हम इस लड़की को ले जाता है। बस छोकरी, तुम इन मार्डलों को तंग किया, तंग किया। चलो चलो, मस्ती करना बहुत मुश्किल का काम है। तुम यहाँ कैसे आए? चाचू के साथ तुम्हारी तलाश में। मेरी तलाश के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। श्याम, नाराज ना हो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। ये तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा? मैं पहले होचे लड़की, हम तुमको बोला है मतलब मस्ती करना बहुत मुश्किल से काम है। हमारा नाम भी खान गुलाब खान है। तुमको बहुत बुलाता है, बुलाया। अच्छा लो, तुम इस लड़की को मजबूती से पकड़ो और शोभा कमरे में इसको फेंक दो। जा, इधर कोई गंजा कोबड़ी का आदमी तो नहीं आया? देखो ख्याल रखो, अगर कोई गंजा कोबड़ी का आदमी आए तो हमारे पास लेके आओ। हम देखते हैं, तुम बैठो। कहाँ गया वाले? ये हमारा कोई खड़ा होने लग कर गया। ये हम खड़ा तो हो गया। दीदी, शोभा, दीदी। सलाम बस, सलाम अलैकुम बस। इसको भी सलाम करो, ये हमारा पार्टनर मिस्टर शिवदास। बस सलाम अलैकुम। सलाम। खोचे के हम आपको पहचानता है। हमको पहचानते है? कैसे? खोचे के हम आपको पहचानता है, आप हमको पहचानता है। खोचे के हम दोनों का वतन एक है, हम दोनों का जुबान एक है, हम दोनों का खाना के पीना के उठना के बैठना, अब तो खोचे हम दोनों का काम भी एक है। आज रात को बहुत इम्पोर्टेंट काम है, चांग इन लोग को समझा दो। ओके बॉस। मिस्टर शिवदास, हमारा शिप तैयार है, हमारा मोटर बोट तैयार है, हमारा सब आदमी लोग तैयार है। हम बॉस के साथ शिप में रहेगा। कपूर तुम्हारा लड़की लोग को लेकर शिप में आएगा। गुलाब खान बहुत बहादुर आदमी है, तुम्हारे साथ खजाना लेने कुछ आएगा, तुम खजाना लेकर शिप में आएगा। इज इट ओके? ठीक है खान, समझा? खोचे के सब समझा। चांग, रमेश का क्या होगा? आओ, उसके लिए गोली काफी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके कपूर, ओके चांग। अपने साथ ले जाने के लिए कुछ लोग चुन लो, मैं लड़कियों से जाके भी आता हूँ। समझ गया बस, बस। है क्या बालक, तुमने खड़ा खड़ा का मुँह क्या देखता है? चलो तैयारी करो, खजाना लूटने के लिए, जमीन खोदने के लिए वो बेलचा कुदाली चाहिए। चलो भी जाते हैं। चलो तुम आ गए। आज रात को यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाली है। लेकिन बस, हमने तो आपको शिवदास के साथ बात करते हुए देखा बस। शिवदास जिंदा है बस? हाँ हाँ, बिल्कुल जिंदा है और इसी गैंग में शामिल हो चुका है। देखो, ये लोग रमेश को मार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ जाकर खजाना निकाल कर शिप पर पहुँचना है। इनकी जो गैंग की लीडर है ना, और बाकी सब बदमाश, वो सब शिप पर हैं। जैसे भी हो तुम रमेश को बचा लो और पुलिस को खबर कर दो, मैं तुम्हें पिस्तौल से सिग्नल कर दूंगा। ओके ओके बस, ओके। लता और शोभा को लेकर तुम जहाज पे आ जाना। ओके। और हाँ, जहाज पे आने से पहले
रमेश को खत्म कर देना और ये बात लड़कियों तक ना पहुंचे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगा। गुड, थैंक यू। तुम लड़की लोग को लेकर इधर आओ, मैं एक जरूरी काम करके वापस आता हूं। हमारे अंदाजे के मुताबिक नक्शे के निशान सही साबित हो रहे हैं और शायद ये वही मंदिर है जो कि नक्शे में है। खुच आप ठीक बोला बॉस, लेकिन खान गुलाब खान बहुत परेशान है बॉस। ये खुई ये इधर का चक्कर किधर है, खुचे के ये घंटा लोग किधर है, ये तो खान अंदर जाके मालूम होगा। कुछ टाइम जाए, चलो बच्चे। इधर तो कुछ भी नहीं है बॉस। हाँ देखो उधर दरवाजा है, चलो उसके अंदर चले। चलो ताला तोड़ो। तो इसका बैंड बुक कर का था, मैं तुमको खाता भी नहीं, पकड़ो इसको। ट्राई करता था ऐसा। हाँ चौन तो केबिन में बंद करो। चलो कमान कमान भरियो भरियो।
चलो 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 खान, हमारे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, ये दौलत ये खजाना। लेकिन बस बस पहुंचे आज को तो सिर्फ सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा। क्यों क्यों आधा हिस्सा मिलेगा? कुछ आधा नहीं, आधे का भी आधा हिस्सा मिलेगा। पहला बड़ा बॉस हिस्सा लेगा, फिर चांग हिस्सा लेगा, फिर गफूर हिस्सा लेगा, फिर आप हिस्सा लेगा, आपका खादम भी हिस्सा लेगा, ये सब लोग हिस्सा लेगा। इसमें अफसोस की क्या बात है, हमारा हिस्सा तो हमको मिलेगा। अच्छा तुम बहुत शरीफ आदमी है बॉस, खान गुलाब खान थोड़ा बहुत खादर इज्जत करता है, जरा सोचो वो लोग सब बड़ा बॉस उधर मिलकर खुशी करता है, उधर मौज मजा उड़ाता है, बिस्की पीता है, दारू पीता है, हम लोग इधर अपना खतरनाक काम करता है। क्या मतलब खान? कुछ मतलब हमारा बहुत साफ है, सोचो को पुलिस ने छापा मारा हमारा कश्ती पे तो हम लोग पकड़ जाएगा, हम लोग पकड़ा जाएगा, वो लोग नहीं पकड़ा जाएगा, हम लोग खतरनाक काम करता, खोच खतरनाक हमको मिलना चाहिए। खान तुम ठीक कहता है, लेकिन हमारे पास जहाज कहाँ है, ये सब हम किधर लेके जाएं? सोचे के जहाज तो खान गुलाब खान तुम्हारे खादम में पेश करता है, लेकिन तुम अपना सब साथी लोग को अपने काब से न रखो। हमारा साथी सब हमारा साथ है। तो इंशाल्लाह खान गुलाब खान सारा खजाना तुमको दिलाएगा और तुमको भी तुम्हारा हिस्सा बराबर मिलेगा। हमको परवाह नहीं, हमको दोस्ती का परवाह है, हमको दाल मिल जाए, हमको अभियात मिल जाए, हमको मुर्गी मिल जाए। तो मुझे इन पकड़ दे अपन पुज अपन ये पाप का पता है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शिवदास, तुम सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू। लेकिन हमको इमीडिएटली इधर से चले जाना चाहिए। क्यों? पुलिस आने का डर है। पुलिस? कोई पुलिस तुम काय को डरता है, हम मुकाबला करेगा पुलिस का। शाम ने फायर किया, हमारा बॉस ने फायर करके सिग्नल दिया है, इंस्पेक्टर जल्दी चलो, ऑल द बोट स्टार्ट्स, कम ऑन। नो, हम लड़की लोग को नहीं छोड़ेगा, उनको केबिन में बंद किया उधर रखेगा। कोचे तुम चाय छीना मैन है, बीच में ठाए 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 करता है, ये बॉस का बॉस के साथ बात है। देखो इधर हम किसी बॉस से कम नहीं है, समझा? जैंग शट अप। शट अप शिवदास, जैंग इज राइट, हम तुम्हारा लड़की लोग को नहीं छोड़ सकता, लड़की लोग रमेश के साथ भागने का कोशिश किया। तुम क्या बोलता बॉस, आदमी के माफिक छोकरी कैसे भाग सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खान ठीक कहता है, तुम लोग जबरदस्ती बात को बढ़ा रहे हो। तुम जानता तुम्हारा लड़की लोग हमारा गैंग का दुश्मन है, उसको जब भी मौका मिलेगा जिधर मौका मिलेगा गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब लड़के हमेशा तुम्हारे कैद में रहेंगी? यस, हमेशा हमारी कैद में रहेगा। देखता हूं। तुम लोग मूठा देखता है, शिवदास के सब आदमी को पकड़कर बांधो। अच्छा,
अब क्या करें? यह समझने का एक ही तरीका है, उस सीढ़ी से हम नीचे जा सकते हैं। पुलिस 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 घेर लिया पुलिस बॉस पुलिस आ गई। अब क्या होगा? तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। जैन सब आदमी को पोजीशन लेने को बोलो, पुलिस का जोर से मुकाबला करो। पुलिस का मुकाबला करना मुश्किल है, हम लोग जान से मारा जाएगा। शट अप, फायर करो, शिप को चलाओ। नो 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 नो, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, हम लोग बच के नहीं जा सकता। हम सरेंडर करने को मांगते हैं। यू पिस्टल बॉस। और कौन सरेंडर करने को मांगता? तुम में से दूसरा कौन हमारा हुक्म नहीं मानने को मांगता? बोलो, जवाब दो। लेकिन बॉस, अगर हम लोग सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस का कब तक मुकाबला कर सकेगा? तुम पुलिस का गोली से नहीं, हमारे गोली से मरेगा। अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो कुर्बान। गोली मार देगा। चलो हमारे साथ आगे चलो। कम ऑन, चलो रोड पर चलो। शाह शाह, लता को गैंग के लीडर पकड़ कर ले गई। उठा जल्दी से, छोड़ दो मुझे। शाह चलो अंदर चलो। साथ दो प्लीज। All right. पुलिस हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर चैंग कॉलिंग, इंस्पेक्टर चैंग कॉलिंग। गैंग को लेकर जहाज पकड़ा गया, लेकिन मेरा लीडर लता को लेकर हेलीकॉप्टर भाग गए। हेलो हेलो, हेलीकॉप्टर फॉलो, हेलीकॉप्टर फॉलो। ओ आई सी, वी आर इन्फॉर्मिंग डायरेक्ट कंट्रोल। हेलो हेलो, एयर कंट्रोल, दिस इज पुलिस हेडक्वार्टर स्पीकिंग। This is air control speaking. Rogers, I am sending the helicopter just now. Hello, hello. Air squads, follow private helicopter MM010 flying 30 degrees west. 30 degrees west. Helicopter MM010 flying towards Johar Bahru. Yes, yes, I started the helicopter.
Hello, police headquarters. Police headquarters. This is air control speaking. Our air squad has sighted the helicopter. They are chasing it. About to encircle MM010. Send the force by land. Calling flank squad. Calling flank squad. Follow private helicopter MM010. MM010. पायलट को प्लेन को नीचे उतारे। मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। कहो, कहो उसे। मैं तुम्हें सभी नीचे फेंक दूंगा। कहो। बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।